हम लास्ट पार्ट में हैं सर फनी मोमेंट ऑफ़ योर लाइफ मेरी फ़नी मोमेंट बहुत सारी है फनी मोमेंट में आजकल सिर्फ वीडियोस को मानता हूँ okay. कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कुछ वीडियोस बनाते हैं तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है मेरी लाइफ में अगर मैं अपने ऐसे ऑफलाइन की बात करूँ तो कई चीज़ें हैं सर फ़नी मोमेंट जैसे फ़नी मोमेंट शेयर करने से बेटर मैं आपको एक लाइन शेयर करता हूँ जो सबसे बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ में एक जगह मैं स्पीच दे रहा था सो मैंने वहाँ एक वर्ड बोल दिया कि हम लोग काफ़ी गरीब थे बचपन में काफ़ी चीज़ें नहीं थी सारी चीज़ें नहीं थी तो जब मैं घर आया तो मेरे फादर के आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि तुम कब गरीब थे अच्छा वो मेरे लिए बहुत एक इमोशनल मोमेंट रहा कि मेरे पिता ने मेरा एक लाइन है सर कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि वो कभी गरीब है जब तक तो उसे खुद पता नहीं चल जाता क्योंकि फादर ही वो ऐसे शख्स होते हैं जो आपको कभी एहसास नहीं देते जो चीज़ें चाहिए वो दिलाते हैं उन्होंने आपको सब कुछ दिया राइट उनको राइट उनको ये बहुत बुरा लगा इस चीज़ का हुँ, क्योंकि हुँ। हुँ। और ये बात मुझे भी बहुत बुरी लगी सो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यू नो अपनी फैमिली जो मॉम और डैड हैं जो आपके बहुत क्लोज रहते हैं ये हमेशा आपके लिए भले के लिए करते हैं मतलब मेरे फादर ने कई ऐसे डिसीजंस मुझे दिए होंगे इनफैक्ट डिजिटल ऑन्ट्रप्रनोर मैं आप आज अपने आप से प्राउडली कह सकता हूँ ये भी इनके पीछे भी उनका कहा था जब मैंने पहली बार उनके सामने प्रपोजल रखा तो उन्होंने आ, कहा कि तुम करो इसे

Right. किस तरीके से आज बहुत सारी कंपनियां मैं आपको बताऊं सर एक जब से मैं डिजिटल ऑन्ट्रप्रन्य बना मुझे एक बेस्ट फील्ड मिली वो थी कंसल्टेंसी ओके okay. अब मानेंगे नहीं उसे तो मैं एक अच्छी सी लविश लाइफ जीता हूँ मुझे लगता है कि वाव जो मैं टी में देखा करता था कि लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कैसे यू नो you know, लाइक ले, लाइक मीटिंग्स करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो चीजें कई बार मैं घर में बैठा होता हूँ मैं जानबूझ के गाड़ी में चला जाता हूँ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ वहां पर क्या मतलब वो लाइफ लाइफ जीने के लिए अच्छा। कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और अपनी नहीं वहाँ पे यू नो कॉन्फ्रेंस रूम में चार लोग बैठे हैं और मैं गाड़ी में बैठ के उनके साथ डिटेल कर रहा हूँ बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ डिजिटल किस तरीके से ग्रो करना है तो जब आप ये चीज़ करते हैं तो ये सब चीज़ जो मैंने सीखी एक्सपीरियंस लिया कि आप एक यू नो कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं कंपनीज के कई कंपनी को सर मैं आज कम लाइक इंडिया में कई ऐसे न्यू चैनल हैं डिजिटली वर्ल्ड में hmm. जो काफी सक्सेस कर रहे हैं मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं उनका सीनियर कंसल्टेंट हूं उनकी कंपनीज में ओके तो वो सारी चीजें आपने वो सारी चीजें वो टर्म्स मैंने उस कोर्स में डाला है That's वो चीजें पे एक बच्चा जब आएगा तो सिर्फ टेक्निकल एक्सपेक्ट लेके नहीं जाएगा वो वहाँ पे लार्जली देख पाएगा कि मैं कैसे करता रुपए हर जगह बढ़वा रहा हूँ hmm. तो ये सब चीजें उस कोर्स में कंप्लीटली मैंने बनाया और लास्ट दो सालों से इस कोर्स को मैं बना रहा हूँ अभी तक That's क्योंकि अमरीश भारती जी आप हमारे बहुत जो भी और यहां तक पहुंच चुके हैं है, यहाँ पे आपको रियल ट्रूथ वैल्यूज मिलती हैं मैं हो गया हमारे जैसे या, मुझसे भी या, बहुत से लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं जो अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और वो बिल्कुल ट्रू और वैल्यूज हैं जब लोग ये मुकाम अचीव कर लेते हैं ना तो वो कुछ छुपाते नहीं हैं वो so चाहते हैं कि हम आपका हाथ बढ़ा रहे हैं आप भी पकड़िए और आगे आइए थैंक यू सो मच तो मैं आप सबसे कहूँगा इन चैनल पे बने रहिए है। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और अगर अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए अगर आपने अभी तक चैट विध सुरेंदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर